बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक हर वफियत से और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ एक अदद घर का नक्शा। बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है। घर के इस प्लान में आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है जो कि बड़े घर में होने के साथ साथ एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो चलिए इस प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। मैं आपको हर चीज़ इसकी डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इसमें साइज आएगा वो है 70 फिट बाई 50 फिट। 70 फिट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, हमारे पास इसका फ्रंट आ जाएगा और 50 फिट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका तकरीबन 13 मरले जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। आप इसके एरिया से ज़्यादा इसकी डायमेंशंस पे फोकस किया करें क्योंकि हो सकता है कि जो एरिया है वो आपके एरिया से टैली ना करें। साइज़ को फोकस करेंगे तो आपके प्लॉट में ये इजीली डिज़ाइन हो सकेगा। तो चलिए इस प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें मेन गेट की। मेन गेट में आपको मेन एंट्रेंस इधर वाली साइड पे मिल जाएगी और अगर आप चाहें तो इसको इधर वाली साइड पे भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। छोटा गेट आपके गुजरने के लिए और बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार का पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 6 इंच बाय 19 फीट। 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 19 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। बड़ी गाड़ी का पोर्च बनाया गया है, बड़ी गाड़ी आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ सकती है और इसके अलावा भी आपकी इसमें बाइक्स वगैरह ईजिली आ सकते हैं। इसके ऊपर कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया आपको इधर वाली साइड से लेके और इधर वाली साइड पे आपको थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। इसके नीचे हमने दिया है इसको एक अदद कॉलम जो कि इसको सपोर्ट के साथ साथ आपको भाई से बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। 13 मरले की इस कैटेगरी में आपको एक अदद लॉन मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 8 इंच बाय 10 फीट। 12 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। नॉर्मल साइज का आपको इसमें एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप ग्रास वगैरह के साथ साथ आप इसमें छोटे मोटे पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं। आगे की तरफ मिल जाएगा आपको एक अदद पैसेज जो कि 4 फीट वाइड में है और ये आपके घर को बाहर से बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी ये वाली दीवार जो है आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी और साथ ही आपके कॉलम भी इसके साथ ही 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएंगे, यानी कि बाहर से आपका घर फुली मॉडर्न किस्म का आपको नजर आने वाला है। मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर स्टेप्स। 2 अदर स्टेप्स के बाद आपको इसमें मिल जाएगी अंदर जाने के लिए जगह और साथ ही आपको मिल जाएगा सामने की तरफ एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इसके साथ ही आपको बाहर की तरफ मिल जाएगा एक अदर बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ आपका ड्राइंग के साथ साथ आप इसको टेबल लाउंज में कॉमन यूज में ला सकते हैं, बाहर से आने वाले गेस्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस और मेन एंट्रेंस के सामने आपको मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 10 फीट 8 इंच। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ओपन कंडीशन में हमने दिया है इसको एक किचन, लेकिन अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसको 1 4 इंच का पर्दा लगा के बंद भी कर सकते हैं। इस साइड पर आपका 1 डोर आ जाएगा। सामने बात करें तो हमारे पास सिटिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी जिसमें आपके इधर वाली साइड पे सोफा वगैरह आ जाएंगे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 9 इंच। 15 फीट 7 इंच हमारे पास ये इधर से लेके आपको इधर तक और 14 फीट 9 इंच आपको ये इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है और इस वाली जगह पे आपके सोफा वगैरह इजिली आ सकते हैं। यानी कि देखें तो आपको इधर वाली साइड पे सिटिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। इसके साथ आपको मिल जाएगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी और स्टेयर हमारे पास आ जाएगी 8 फीट वाइड में। फ्लाइट कंडीशन में आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसमें स्टेयर भी मिल जाएगी। साथ ही इस वाली जगह को हमने दिया है डाइनिंग के लिए, डाइनिंग के लिए यूज़ किया है। इधर वाली साइड पे आपका एक अदर डाइनिंग टेबल आ जाएगा और इस जगह का साइज हमारे पास आ जाएगा 23 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 23 फीट 9 इंच ये आपको इधर से लेके इधर तक और 13 फीट 9 इंच ये आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है। काफी अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदर डाइनिंग के लिए कुछ जगह भी मिल जाएगी। जबकि टीवी रूम और ड्राइंग रूम के सेंटर में हमने दिया है इसको एक अदर आर्च, इसमें आप कर्टन वगैरह और स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर वाली जगह के साथ साथ डाइनिंग टेबल को भी इस्तेमाल कर सकेंगे से आने वाले गेस्ट आपके।
तो अब चलते हैं हम इसके बेडरूम के पोर्शन में। बेडरूम में आपको स्टार्टिंग में मिलेगी एक बेड लोबी। बेड लोबी के साथ ही सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट 9 इंच बाय 15 फीट। 19 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसमें ये वाला बेडरूम भी मिलने वाला है। और पीछे आपको मिल जाएगा एक पैशियो। पैशियो का साइज हमारे पास आ जाएगा 19 फीट 9 इंच बाय 4 फीट। 19 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जैसा कि हमारे पास इस वाले बेडरूम की आ गई, और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इधर साइड पे आपको मिल जाएगा एक ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 4 फीट 8 इंच। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 9 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। स्क्वेयर कंडीशन में आपको एक बाथ देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसमें एक बाथ भी मिल जाएगा जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक्सेसरी जो है वो ईजिली इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं आपको दूसरे वाले बेडरूम में। तो दूसरे वाले बेडरूम में आपके जो इस वाले साइड पे आपको मिल जाएगा एक और बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 9 इंच बाय 19 फीट 9 इंच। 17 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 19 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसमें ये वाला बेडरूम भी मिल जाएगा। और इसके साथ भी आपको देखने को मिलेगा एक अटैच ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 8 फीट 6 इंच। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 6 इंच। 7 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने दिया है सेंटर में एक ओटीएस। ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 4 फीट बाय 8 फीट। 4 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं। इसी बेडरूम के सामने आपको मिल जाएगा इस नक्शे का आखिरी और तीसरा बेडरूम जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसी के साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाय 9 फीट 6 इंच। 8 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इन दोनों बेडरूम को हमने बाहर की तरफ भी एक एक विंडो दे रखी है जिससे आपको अंदर की तरफ वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिलती रहेगी। अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको मेन एंट्रेंस इधर वाली साइड पर मिलने वाली है और दो गेट आपको मिल जाएंगे, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक कार पोर्च। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक कदम लॉन और इस वाली साइड पे भी आपको मिल जाएगी एक कदम 4 फीट की पैसेज जिसमें आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। दो अदर स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस और सामने आपको देखने को मिल जाएगा एक कदम ड्राइंग। एक अदर ड्राइंग रूम मिल जाएगा और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक कदम पैशियो जिससे आपको अंदर रोशनी वगैरह वगैरह मिलती रहेगी। इस वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ। बाथ के सामने आपको डबल डोर की सुविधा मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस में ही आपको मिल जाएगी सिटिंग के लिए कुछ जगह और साथ ही मिल जाएगा डाइनिंग के लिए जगह। और इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएंगे एक अदर स्टेयर जो कि फ्लैट कंडीशन में मिलने वाली है जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और एंट्रेंस के साथ ही आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा एक अदर किचन। आगे आगे हमारे पास आ जाएगी एक अदर बेड लॉबी जिसमें आपको तमाम बेडरूम में एक्सेस मिलने वाली है। आपके तमाम बेडरूम के डोर्स आपके इस लॉबी में ओपन होने वाले हैं। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं टोटल मिला के 3 अदर बेडरूम विद अटैच बाथ और ड्रेसिंग आपको इसमें मिल जाएंगे। यानी कि ये एक फुल पैकेज है जो फैमिली के लिए जो कि बड़ी फैमिली रखती है। तो इसके साथ आपको मिल जाएगा इधर साइड पे एक अदर बेडरूम विद अटैच ड्रेसिंग मिल जाएगा, बाथ मिल जाएगा और पीछे मिल जाएगा एक अदर पैशियो। दूसरे वाले बेडरूम की बात करें तो हमारे पास मेन एंट्रेंस आपको इधर साइड पर मिल जाएगी और साथ मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, बाथ मिल जाएगा और पीछे आपको मिल जाएगा एक अदर पैशियो। इसके सामने भी आपको मिल जाएगा एक अदर बेडरूम और साथ मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। तो ये था हमारा 13 महले पर मुश्तमिल एक अदर घर का नक्शा जिसको हमने बहुत ही डिटेल के साथ किया डिस्कस। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 70 फीट बाय 50 फीट। 70 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 50 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इस वाले प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं या इससे आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे नक्शे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। और इसके अलावा भी घरों के अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेने के लिए आप मेरे चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। अगर कुछ फायदा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदर और अच्छे प्लान के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।